कल गुजरात में लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव आयोजित होने जा रहे हैं। ऐसे में नर्मदा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीनरी के डिस्पैचिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल कल आयोजित होने वाले चुनाव के मद्देनजर नर्मदा में सभी तैयारियां जारी है। नर्मदा जिला चुनाव अधिकारी श्वेता टेवटिया ने नांदोद के डिस्पैचिंग सेंटर की मुलाकात लेते हुए मतदान कर्मियों के उत्साह में बढ़ोतरी भी की थी। वैसे आपको बता दें कि ईवीएम के अलावा 96 प्रकार की स्टेशनरी लेकर कर्मयोगी मतदान मथक की ओर रवाना हुए हैं। वैसे आपको ये जानकारी भी दे दें कि गर्मियों के मौसम के मद्देनज़र वोटर्स को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं भी खड़ी करवाई जा रही है। छोटाउदेपुर लोकसभा अंतर्गत नांदोद विधानसभा मत विस्तार माटे आज अहीं छोटूभाई पुराणी व्यायाम महाविद्यालय छे त्यां आज सवारना 6 वाग्याथी डिस्पेचिंगनी कामगीरी चालू थई छे। डिस्पेचिंगनी अंदर आपणे 303 बूथ खाते આપણા ઈવીએમ અને અન્ય કાગળો અને મટીરિયલ્સ જે કાલે મતદાન માટે કામ આવવાનું છે એનાથી મોકલી રહ્યા છીએ। 303 બૂથ માટે 1515થી વધારે આપણા કર્મચારીઓ અહીંથી ઈવીએમ લઈ અને આજે રવાના થશે અને કાલે એના માટેની સંપૂર્ણ કામગીરી થઈ રહી છે। એમની સુવિધા માટે જમવાનું મંડપ અને મેડિકલ ટીમ અત્યારે તૈનાત છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।